हाय बच्चों, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जो 10वीं क्लास से जो 11वीं क्लास में जा रहे हैं, आज तक आपने फिजिक्स तो पढ़ा होगा बहुत, और वो फिजिक्स काफी इजी भी था, जिसमें आप लोग बच्चों कुछ फॉर्मूला याद करके अपने बोर्ड के एग्जाम को क्लियर कर पाते थे और काफी आसान था। बट यहाँ से बिना अच्छे से पढ़े कॉम्पिटिशन निकालना और ये थोड़ा टफ होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो ये फिजिक्स अभी से स्टार्ट होगा वो कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स होगा, और उसमें मैथमेटिक्स भी काफी सारी आएंगी। तो घबराना नहीं है, हम लोग बेसिक्स फंडामेंटल्स पूरे अच्छे तरीके से सीखेंगे। दोस्तों बेसिक्स लेक्चर कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका अगला जितना फिजिक्स का जो भी लॉज होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो उसी पे सॉल्व होंगे। तो उसके बारे में आपको साउंड नॉलेज होना चाहिए। ओके, दोस्तों फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिकली आप लोग जो बुक्स रेफर करेंगे वो बुक्स रेफर करेंगे एनसीईआरटी एससी वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों परचेस कर लीजिए। एसएल अरोड़ा तो थ्योरी और पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा थ्योरी इसमें अवेलेबल है, तो फॉर थ्योरी यू कैन परचेस एसएल अरोड़ा। ये तीनों पढ़ने के बाद अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप सिंगेज बुक परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों बुक जब आप परचेस कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे तो बोर्ड निकालना आपके लिए काफी आसान है, बोर्ड आपका आसानी से निकल जाएगा। बट अगर आप कॉम्पिटिशन निकालना चाहते हैं तो दिस आर नॉट एनफ, सो यू हैव टू परचेस सिंगेज बुक फॉर मोर प्रॉब्लम्स, फॉर मोर कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स, एंड आफ्टर दैट टीसीएस स्टडी मटेरियल इज एनफ, मोर देन एनफ। सो आप लोग इतना परचेस कर ले, टीसीएस स्टडी मटेरियल इज वेल एनफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो दीज आर वेल एनफ टू स्टडी फिजिक्स एंड टू क्रैक एनी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, so by keeping in mind these things we see what is physics basically। agar aap se pucha jaye ki physics kya hai to dekhiye ki dosto physics kya hai basically। physics is nothing but an organized study of natural phenomena with the help of mathematical tool and laws of nature। So with the help of mathematical tools and laws of nature we will study physics। Okay, so dosto, is pure physics mein hum log kai sare natural phenomena padhte hain, gaadi kyun chalti hai, brake kyun lagta hai, atom kyun phutta hai, surya ka roshni yahan tak kaise pahunchta hai, कई सारी बातें, एरोप्लेन कैसे चलता है, सैटेलाइट कैसे धरती के चारों तरफ घूमता है, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, कई सारे नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे। दोस्तों क्लास 11 में जो हमारा लेक्चर फ्लो होगा वो कुछ ऐसा होगा, प्लस यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ओके, अलोंग विद मेजरमेंट, ओके, देन आफ्टर वेक्टर, देन आफ्टर कैलकुलस, एंड आफ्टर दैट एरर एंड मेजरमेंट। ओके, सो दोस्तों ये काफी बेसिक लेक्चर है, काफी बेसिक लेक्चर, ये पूरा लेक्चर 10-12 घंटे का होगा और बहुत 10-12 घंटे और मोस्टली मिनिमम 12 घंटे और मैक्सिमम 15-16 घंटे होंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर्स बहुत ही क्रूशियल होंगे, बहुत ही क्रूशियल पूरे फिजिक्स को पढ़ने के लिए, बिकॉज दीज आर द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। अगर बोला जाए कि एबीसीडी पढ़े बिना कोई वर्ड्स नहीं बना सकते, उसी तरीके से बिना ये पढ़े आप बाकी फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा ये
ये जरूर उसको आना चाहिए। ओके आफ्टर दैट ये सारे बात पढ़ने के लिए हम लोग फिजिक्स पे चलते हैं। तो नाउ असली फिजिक्स तो अब स्टार्ट हुई सब मैथमेटिकल पोर्शन से। ओके सो उसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स जिसमें आपके दो पोर्शन आएंगे लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन फिर आपका आएगा एलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिसमें भी आपका आएगा दो लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। देन आफ्टर यू हैव टू स्टडी डब्ल्यूपीई वर्क ऑन एनर्जी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आफ्टर दैट रोटेशनल डायनेमिक्स आफ्टर दैट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड After that, mechanics of fluid. After that, heat work. Heat, जो कि दो पोर्शन में आएगा heat work, जो आएगा calorimetry और एक और करने का मैं इसमें होगा heat transfer. फिर आएगा आपका heat two, जो भी दो चीज कैरी करेगा KTG, kinetic theory of gases. दूसरा थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स देन आफ्टर एसएचएम देन आफ्टर वेव एंड वेव ऑन स्ट्रिंग एंड देन आफ्टर साउंड वेव। ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल टोटल फिजिक्स का लेक्चर होगा और लेक्चर फ्लो इसी के हिसाब से होगा एंड आफ्टर दैट हम लोग क्लास में जाएंगे तो फिर वेव ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल। ओके तो ये हमारा अगला लेक्चर होगा जिसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसी सीक्वेंस में। ओके तो आप लिख सकते हैं इसको। ओके सो लिखने के लिए दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके खैर ये लेक्चर जो होगा दोस्तों बहुत ही क्रूशियल ये ही लेक्चर आपको इन सारी चीजों का 12 तक जितने फिजिक्स होगा और आगे के बच्चे जो इंजीनियरिंग करेंगे उसके लिए सब ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां पे ये कोई नहीं बता लिया जाएगा इसलिए ये लेक्चर सब ध्यान से देखें। ओके तो बच्चों बेसिकली फिजिक्स इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड लॉज ऑफ नेचर। ओके अब जैसे फिजिक्स तो है तो अब उसको तो मैथमेटिक्स के हेल्प से ही पढ़ना है उसको इक्वेशंस से बनाना है और उसको फिर स्टडी करना है। ठीक है आफ्टर दैट अगर वो मैथमेटिकल टूल है और फिजिक्स जैसे फिजिक्स हम पढ़ना चाहते हैं विद द यूज ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड मैथमेटिकल टूल्स तो देखिए दो चीजों का ध्यान कोई भी फिजिसिस्ट अपने दिमाग में रखता है क्या तो पहला चीज है यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन। ओके बेसिकली ये थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स बोलते हैं इसको थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स अगर कोई फिजिसिस्ट है फिजिक्स पढ़ा रहा है और फिजिक्स जानते हो कुछ रिसर्च करने वाले की तो ये बात दीज आर द थिंग्स which any physicist should keep in mind. पहला है principle of unification और simply unification और ये क्या है tendency to use minimum laws in any research or study
is called principle of unification. तो दोस्तों दुनिया में बहुत सारे लॉस हैं, अगर बहुत सारे लॉस को लेकर अगर हम कोई भी चीज को प्रूव करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा मेमोराइज करना और समझना। जैसे एक छोटी सी बात अगर देखें, अगर मान लीजिए हमारे जैसे ये अगर ये गिरता है नीचे तो दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो चौक का गिरना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू हम एक्सप्लेन कर पाए, कोई और बॉडी गिरा सेम गिरा तो उसको भी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो सोचिए अगर एक बॉडी को गिरने के लिए एक लॉ, दूसरे बॉडी को गिरने के लिए दूसरा और बहुत सारे लॉस आ जाए तो दोस्तों काफी प्रॉब्लम होगा आपको फिजिक्स पढ़ने में और आप समझ नहीं पाएंगे और मेमोराइज करना भी काफी मुश्किल होगा। ओके, बट जैसा कि हम जानते हैं कोई भी सब्जेक्ट्स किसी भी चीजों को कॉम्प्लेक्स करने के लिए नहीं बना है, द सब्जेक्ट्स आर मेड टू मेक द थिंग्स इजीियर, इजी बनाने के लिए हुआ है। तो उसको कैसे समझा जाए, तो फिजिक्स की बात करें जहां तक, फिजिक्स में कोई भी रिसर्च या कोई भी स्टडी करेंगे तो उसमें इन बातों का ध्यान रखना होता है, यूनिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। आवर रिसर्च और स्टडी शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। ओके, आफ्टर दैट एक और टर्म है रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म। ओके, सो ये दोनों थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। ओके, सो रिडक्शनिज्म को दीजिए, रिडक्शनिज्म क्या है? अब जैसे देखिए दोस्तों, अगर हमको किसी नेचर फिनोमेना से पढ़ना है फिजिक्स ऑफ लॉज ऑफ नेचर, तो लॉज ऑफ नेचर में मिनिमम लॉज ऑफ नेचर को हमको लेके चलना है जिससे ये चीजें आसान हो सके। दूसरा, अब चीजों को अगर आसान करना है तो हमको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए मैथमेटिक्स का जरूरत है तो मैथमेटिक्स भी इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि कभी कभी उसका सॉल्यूशन निकलना भी काफी मुश्किल है। तो इन चीजों के लिए हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है, दैट इज रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म क्या है? इट इज अ टेंडेंसी to use approximations in mathematics, approximation in mathematics which will not change the result of the natural phenomenon. Okay, so अगर मैथमेटिक्स बहुत बड़ा हो गया इस मैथमेटिक्स जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाए तो मेरे रिसर्च का क्या फायदा है? ओके, तो हम ये देखते हैं कि चीजों को आसान कैसे किया जाए, उसको मैथमेटिक्स को इजी कैसे किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि इजी करने के चक्कर में उसका रिजल्ट ही बदल जाए, ऐसा नहीं। जैसे हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें 3 प्लस 4 ये सभी कर सकते हैं साथ। लेकिन अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो आपको बोले 3.00011 और प्लस 4 3.99999 इसको जोड़ा जाए तो इसमें दोस्तों थोड़ा समय लगेगा। बट हम अगर इसको एप्रोक्सीमेट करना चाहें इसको 3 लिख सकते हैं और 3.9 इसको 4 लिख सकते हैं, दैट इज 7। ये फिजिक्स में कर सकते हैं, कई जगह पे करेंगे दोस्तों। आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? आपने पढ़ा न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, अ बॉडी इज इन रेस्ट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन वांट्स टू रिमेन इन मोशन, दैट लॉ इज कॉल्ड इनर्शिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये क्लास 9 में। और सेकंड लॉ क्या पढ़ा कि नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स अगर एक बॉडी पे है तो नेट फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन से। ये आप लोग 9 में पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक फोम है हमारे पास, अगर उस फोम को कंप्रेस कर दिए तो क्या फोर्स लगा? बिल्कुल लगा।
लेकिन क्या उसमें मोशन आया, एक्सेलरेशन आया? आंसर नहीं, तो फिर तो वो लॉ गलत हो गया ना। तो दोस्तों आप लोग एक चीज भूल जाते हैं, उसमें मेंशन करना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड फॉर रिजिड बॉडी, वो रिजिड बॉडी के लिए अप्लाइड है। ओके, अब दोस्तों रिजिड बॉडी क्या है? तो रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसके इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज नहीं होते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट होते हैं, कोई भी फोर्स लगे, कुछ भी लगे, उसके इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, तो अब फोम की बात कर ले, तो फोम में देखिए, फोम का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या चेंज हो सकता है फोर्स लगने के बाद? आंसर है हाँ। ठीक है, एक आयरन पार्टिकल्स लेकर आते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो क्या उसके इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज हो सकते हैं? तो आंसर है होते हैं। यस यस दोस्तों, सही बात है, होते हैं, बट वो इतना कम है, इतना कम है कि उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन अप्लाई इजीली एट फिजिकल टर्म में, वहां पे न्यूटन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या आयरन परफेक्टली रिजिड बॉडी था जहां पे न्यूटन को लगा रहे थे? न्यूटन लॉ तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए था, बट क्या हम आयरन को लगाए, आयरन की परफेक्ट रिजिड बॉडी है? नहीं, आइडियल रिजिड बॉडी कोई भी नहीं है, हम मानते हैं उसको आइडियल। तो दोस्तों क्यों मान लिए? क्योंकि वो एप्रोक्सीमेशन है, नहीं मानेंगे तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स पे हमको सब कुछ लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत टीडियस जॉब है, तो इन बातों का दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है। तो वहां पे वो एप्रोक्सीमेशंस लेके उसके मोशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वो एप्रोक्सीमेशन वहां ले सकते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जहां तक चीजों को इजी किया जा सकता है उसको हम इजी करते हैं, और पहला तो ये ध्यान रखना है यूनिफिकेशन, और दूसरा ध्यान रखना है क्या, रिडक्शनिज्म। ये दो चीजें ध्यान में रखते ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, कभी भी किसी भी फिजिक्स में आप देखोगे तो ये काम यूज होगा। ओके ओके, तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं पॉज करके। एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं उन चीजों को, अगर आप चाहें तो मैं एग्जाम्पल दिखा सकता हूं, बट उसमें कुछ कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी, हालांकि बहुत ज्यादा फिजिक्स नॉलेज नहीं है आपको, बट फिर भी थोड़ा सा देखते हैं कैसे किसी रिसर्च को हम अंजाम देते हैं। एक छोटा सा केस है दोस्तों, शीट क्या होगा?
सपोज करिए गोल सिलेंडर है और उसमें से एक पतला सा शीट काट ले और काट के बाहर निकाले तो क्या होगा? सर्कल। क्या होगा? सर्कल। यहां से काट के निकालेंगे क्या निकलेगा? ऐसा कुछ निकलेगा, सर्कल। इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। यही है वो क्रॉस सेक्शन। और इसका एरिया मान लीजिए अगर रेडियस r है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r। सर्कल का एरिया जो आपको पता है, ये होता है दोस्तों क्रॉस सेक्शन। ओके, तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो क्रॉस सेक्शन तो सभी का सेम है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है, सपोज तो कोई ऐसा है, अगर आपसे कोई बोले क्रॉस सेक्शन बताइए तो आपको पूछना पड़ेगा कहां का, यहां का, हर जगह क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा दोस्तों। ओके, अगर इसकी बात करें क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन के पास सेंटर होता है, होगा नहीं होगा? तो मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन का सेंटर यहाँ है, इस बहुत सारे इसमें कितने क्रॉस सेक्शन होंगे दोस्तों? बहुत सारे, इनफिनाइट। तो सभी के पास एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा, सभी के पास होगा। तो दोस्तों एक सेंटर के लोकस को, सभी सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो सेंटर के लोकस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये होता है लोकस ऑफ ऑल द सेंटर्स, लोकस ऑफ ऑल द सेंटर्स। और बाकी जो एक्सिस होगा वो लैटिट्यूड, खैर नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हुआ आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये हुआ क्रॉस सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल ऑफ ऑल सेंटर्स ऑफ लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शन, ऐसा कर दिया जाता है ऑल क्रॉस सेक्शन, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। ओके, खैर इसका क्रॉस सेक्शन मान, इसका इसका क्रॉस सेक्शन a1 है, a1। ओके, और इसमें जो पानी जा रहा है उसका वेलोसिटी है v1, ठीक है, और यहां से जो वेलोसिटी निकल रहा है वो है v2, ठीक है, और इसका इसका रो डेंसिटी 1 है, और इसका डेंसिटी जो बाहर निकल रहा है उसका डेंसिटी रो 2 है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a2। जाहिर सा पति यूनिफॉर्म है तो दोनों बराबर होंगे, चिंता करने की बात नहीं। ध्यान देने वाली बात यह कि आपने जब दबाया तो क्या किया, V2 बढ़ा दिया आपने, क्या करा V2 को आपने इंक्रीज कर दिया। मतलब आपके रिसर्च का मेन फंडा क्या है कि V2 को कैसे इंक्रीज किया जाए जो दूर तक पहुंच जाए पानी, आपका मेन फंडा तो दोस्तों ये है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ये एक रिसर्च है, ठीक है, और इस रिसर्च में एक तो मिनिमम लॉस को यूज करना है और दूसरा रिडक्शनिज्म। तो देखिए दोस्तों कैसे कैसे काम करते हैं इसमें। ओके, सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें जितना पानी जाएगा क्या उतना ही बाहर निकलेगा? जाहिर सा बात है, जितना पानी जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा ना, बाहर से कोई पानी थोड़ी ना आ रहा है। तो दोस्तों इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा क्या है, जैसे ठीक है, फर्स्ट कंसीडर दैट व्हाट आई एम सेइंग इज राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये लिखेगा इस टाइप कंजर्वेशन पर, कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके दोस्तों, यहां पे हमको जरूरत पड़ता है m डॉट का। m डॉट क्या है? तो मास पर यूनिट टाइम, मतलब kg पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना मास फ्लो कर रहा है दोस्तों, मतलब तुमको इससे है, ठीक है। और उस m डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, उस m डॉट को हम लिख सकते हैं रो ए बी। रो क्या है? डेंसिटी, ए क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, बी क्या है? वेलोसिटी। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा वेलोसिटी के बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में, तो उसके तौर पर देखिए सही है कैसे। रो का हो गया केजी पर मीटर क्यूब, आई इनटू एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर मीटर मीटर क्यूब वही बन जाएगा, बचेगा केजी पर सेकंड। दोस्तों ये सारी चीजें आप जान जाएंगे पहले लेक्चर में, बट थोड़ा सा रिसर्च का आपको दिखा दें फिजिक्स पर हम आगे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। इस रिसर्च में मैंने एक लॉ को यूज करा और मुझे ये पता चल गया कि m डॉट बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। इस लॉ के हेल्प से अकॉर्डिंग टू द अबव लॉ हमें बात पता चल गया कि m1 डॉट दैट इज इक्वल टू m2 डॉट, मतलब जितना पर यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकंड में जितना m1 जितना जाएगा उतना m1 उतना ही एक सेकंड में बाहर निकलेगा, ठीक है। ऐसे फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलते हैं, खैर बाद में समझ में आएगा, बट राइट नाउ सी m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट, ये तो काफी आसान है। और दूसरा चीज हम पे एक बार और पता चले कि m डॉट कितना है, तो रो ए बी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट, तो रो ए1 v1 इज इक्वल टू रो 2, रो 1 a1 v1 और रो 2 a2 v2,
दोस्तों काम को इस पे करना है v2 पे, v2 इक्वल क्या हुआ o1 a1 v1 अपॉन रो 2 a2, ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहां देखते हैं, यहां पर जो रिलेशन आया v2 इज इक्वल टू रो 1 a1 v1 रो 2 a2। ओके ये तो आगे का रिलेशन, अब ये मैथमेटिक्स है, अब ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में आ गया कि v2 को हम कैसे बना सकते हैं। ओके लेकिन दोस्तों एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, बोल सकता हूं कि यहां देखो रो 1 है और यहां देखो रो 2 है और चल क्या रहा है, वाटर, पानी दे रहा है ना फ्लो में। तो दोस्तों यहां से यहां तक वाटर के डेंसिटी में चेंज आया, आंसर आया, आता है, आता है, बट वो चेंज नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा चेंज है, बहुत छोटा चेंज है। ठीक है, वाटर इज इनकंप्रेसिबल, उसको मानते हैं, दैट इज इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल का ये मतलब है कि उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता जी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, घर में आपके एलपीजी आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कभी एसपीजी का नाम सुना है, सॉलिडिफाइड पेट्रोलियम गैस, क्यों नहीं आता वो? दोस्तों एलपीजी बनाने में एक फायदा है कि कम जगह पे उसको हम रख सकते हैं और उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों अगर एसपीजी होता तो उसको और कंप्रेस करके रख सकते हैं और उसको ले जाने में और फायदा होगा, लेकिन एसपीजी बनाते नहीं है, क्यों? वो बनता ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी भी लिक्विड फॉर्म का कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होता है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो अगर उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नेग्लिजिबल है, उसका वॉल्यूम घट बढ़ नहीं सकता है, तो उसका डेंसिटी चेंज होगा क्या? दोस्तों रो इज इक्वल टू एम इनटू वी, मास तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, जितना मास होगा मास वास ही रहेगा, हां वॉल्यूम बढ़ घट सकता है, लेकिन क्या वॉल्यूम उसका बढ़ेगा या घटेगा वाटर का? नहीं, वाटर बीइंग अ लिक्विड इन अ लिक्विड स्टेट उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत कम होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसके कारण उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, व्हिच सिग्निफाइज कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों मास कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो रो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि जो रो यहां पे है वही रो यहां पे है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक चेंज हुआ हुआ, बट वो इतना कम है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रिडक्शनिज्म। यहां मैंने यूज किया यूनिफिकेशन, यहां मैंने यूज किया रिडक्शनिज्म, और अगर वो रिडक्शनिज्म अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शनिज्म, क्या हम इसको काट सकते हैं? बिल्कुल। तो v2 क्या आ गया? a1 v1 अपॉन a2, मतलब देखा ये गया कि a2 v2 इज इक्वल टू a1 v1। तो दोस्तों अगर देखा जाए यहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये कांस्टेंट है? आंसर है हाँ, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जाएं आप, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जाएं, ये जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। मतलब क्या a और b कांस्टेंट हो गया? तो दोस्तों हाँ, अगर ये कांस्टेंट है तो a इक्वल टू c अपॉन b, हाँ, अगर c हटाएंगे तो क्या इनवर्स का रिलेशन आएगा? हाँ, यानी कि अगर एरिया घटाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन है दोस्तों, या एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा, ये बात पता चल गया दोस्तों। अरे हाँ, ये बात तो दोस्तों है। तो दोस्तों इसका यूज किया हमने, क्या यूज किया हमने? कि हमने ये बना लिया नौ सर, याद करिए आपका जो कोटी होता है वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना, यहां लगाते हैं और यहां से पानी निकलता है v2। तो क्या हमने v2 बढ़ा दिया? यस, यहां पे एरिया a1 है, a1 है और यहां एरिया क्या है? a2। तो दोस्तों यहां हमने देखा a2 is less than a1 और जिसके कारण हमने क्या मिल गया कि v2 is greater than a1। देखिए हमारा आंसर बन गया। तो इसी तरीके से प्रकार से कोई भी रिसर्च, कोई भी चीज, किसी भी चीज का प्रूफ इन बातों का ध्यान में रखते ही होता है। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल था। ओके तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर्स का। तो पहला चैप्टर लिखें
आप इसको पॉज करके लिख लेना दोस्तों। तो आइए हम छोटू समझते हैं, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, ओके दोस्तों, यूनिट एंड डायमेंशन में देखा जाए सबसे पहले वो डिपेंड करना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी? दोज नेचुरल फिनोमेना which can be defined physically are called physical quantity. physical quantity दोस्तों इसका बहुत जरूरत है, इसको समझने को पड़ा। अगर हम बात करें कि जैसे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एक दो बंदा चल के आया, ठीक है, एक बोला कि हम 5 किलोमीटर से आ रहे हैं, एक बोला 10 किलोमीटर से आ रहे हैं, समझ में भी आता है, हाँ ठीक है, तुम 5 किलोमीटर से आया, तुम 10 किलोमीटर से, समझ में आ गया। एक बोला कि दोस्तों, एक बोला कि एक दो बंदे हैं, एक बहुत सुंदर था, एक बहुत कम सुंदर है। अब ये तो समझ में नहीं आया, हो सकता है ब्यूटीनेस का डेफिनेशन मेरे लिए अलग हो। अगर हमारे यहाँ के लोग अगर वेस्ट इंडीज में जाए तो बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, और उस वो बंदा जो यहाँ पे बदसूरत है वहां जाकर बहुत सुंदर हो जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो सुंदरता का डेफिनेशन तो हमारे हिसाब से अलग अलग है ना। तो दोस्तों जिसको हम नहीं दिखाई सुंदरता उसका कोई नंबर नहीं है, तो दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बट दूरी जो चल के आए जिसको हम बता पा रहे हैं, दैट इज व्हाट फिजिकल क्वांटिटी। हम बहुत देर से यहां पे खड़े हैं, कितनी देर से खड़े हैं, 10 घंटे से, यस, इट कैन बी डिफाइंड फिजिकली, इट कैन बी डिफाइंड मैथमेटिकली, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। सो ये हमें फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें फिजिकल क्वांटिटीज में आप लोग दोस्तों पढ़ोगे 7 क्वांटिटी के लिए इसको डिफाइन करना होता है। इस फिजिकल क्वांटिटीज में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसमें जिसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये दोस्तों 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर इनका डेफिनेशन नहीं आता हमारे पास तो हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ सकते थे। कई बच्चे बोलते हैं अच्छा आपका नहीं आता, बट ऐसा नहीं है, फिजिक्स पढ़ना है, चीजों को आसान करना है, तो इन 7 चीजों का जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, ओके। तो इन इन 7 चीजों में देखिए मैं आपको एक बात बताऊं और उसको थोड़ा सा लॉजिकली समझे। अगर मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसका यूनिट क्वांटिटी डिफाइन होना चाहिए दोस्तों, यस, उसका यूनिट क्वांटिटी पता होना चाहिए कि उसका जैसे लेंथ का 1 मीटर, लेंथ का एक्सेलरेट की बात करेंगे बाद में, लेंथ का यूनिट मीटर में होता है, हम सब लोग जानते हैं। तो
एक मीटर सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कि एक मीटर क्या होता है, एक मीटर कितना होता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो हम ये कभी नहीं जान सकते कि दो मीटर कितना होगा और पांच मीटर कितना होगा। अगर एक मीटर का डेफिनेशन पता है तो करना कुछ नहीं, अगर पांच मीटर चल रहा है तो पांच में एक मीटर मल्टीप्लाई कर दिया तो समझ में आ जाएगा। टाइम टाइम पर सेकंड, एक सेकंड को डिफाइन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक सेकंड जान जाए तो कितना भी सेकंड हो जाए, 500 सेकंड कितना हो जाए तो 500 सेकंड। तो दोस्तों इसके यूनिट क्वांटिटीज को डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है, बिना उसके आप काम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए दोस्तों। ओके, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सो ओके, विल डिफाइन ईच वन ऑफ इट, हम लोग सभी चीजों को डिफाइन करेंगे। पहले ये सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए कि ये सात क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करा गया फिजिक्स में सबसे पहले, और उसके डेफिनेशंस को नोट किए कि इसकी यूनिट क्वांटिटीज कितने होंगे, जिससे कि हम लोग फर्दर मेजरमेंट कर पाएंगे। ओके ओके, नाउ सो ये सारी चीजों के बाद फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके, एंड आफ्टर दैट देयर आर डिराइव्ड क्वांटिटी आल्सो। ये बहुत होगा दोस्तों, ये बहुत होगा, ये तो साथ ही ये बहुत होगी, बहुत ज्यादा। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो इनसे डिराइव हो गया है, जो इनसे डिराइव हो गया, जैसे जैसे आप अगर ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ, अगर हमको लेंथ के बारे में नहीं पता होगा, टाइम के बारे में नहीं पता, तो वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर पाते। तो इनकी मदद से जो भी क्वांटिटीज बनेंगे वो आपके आएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, जैसे सपोज करिए एक और चीज, नेट फोर्स, नेट फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। पता नहीं आप लोगों ने एक्सीलरेशन पढ़ के नहीं पढ़ा, बट एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल मास अगर देखें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोस्तों अगर हमको, अच्छा वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखो, मास इनटू लेंथ, सिंपल सिंपल भाषा में हम देखें तो लेंथ अपॉन टाइम, तो यहां हो गया टाइम का स्क्वायर। तो इस पर और भी चर्चा करेंगे हम लोग। अब देखिए मास लेंथ और टाइम स्क्वायर नहीं होता तो फोर्स नहीं पढ़ पाते हम लोग। तो देखिए जब तक ये हमको डिफाइन नहीं होता तब तक हम वो नहीं कर पाते। ओके, और इसमें बहुत सारे क्वांटिटीज आएंगे, बहुत सारे, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, कई सारे आएंगे, जैसे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कई सारी चीजें आएंगी इसमें। ठीक है दोस्तों, आप फिजिक्स जब भी पढ़ेंगे इस यूनिट क्वांटिटीज का महत्व कभी नहीं भूलें। इस यूनिट क्वांटिटीज मतलब एक मीटर किसको बोलते हैं, एक केजी किसको बोलेंगे, एक सेकंड किसको बोलेंगे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों अगर ध्यान से देखिए तो हर क्वांटिटी का यूनिट क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेलोसिटी, इसका 1 मीटर पर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 1 न्यूटन फोर्स का न्यूटन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए, आपको अगर नहीं है तो आप कभी भी जब हम आगे पढ़े तो आप हमको हमसे हर जब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ठीक है, हर चीज का यूनिट क्वांटिटी से जरूर पूछिएगा। अगर नहीं, अगर सपोज मिस कर रहे तो हमसे जरूर पूछिए कि यूनिट क्वांटिटी क्या है सर इसका। अगर 1 न्यूटन, सर 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, 1 जूल, सर 1 जूल कितना होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, एंड अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो दोस्तों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है पर डायमेंशन नहीं होता है। इसको हम लोग बाद में समझेंगे, ये आपको समझ में आएगा बाद में। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गए, दोस आर द, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ
विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी fundamental quantities are those quantities which are independent of any other quantity. Okay. फिर नीचे लिखेंगे it should be invaluable and available. दोस्तों ये सब समझ में आया क्या है? Available, invaluable and available. इसका मतलब ये है कि अगर हम लेंथ को डिफाइन करते हैं, एक मीटर कितना होता है, एक सेकंड कितना होता है, तो अगर एक बार हम डिफाइन करते हैं दोस्तों, तो वो बदलना नहीं चाहिए. वो बदलेगा कभी नहीं. एक बार हम डिफाइन कर दिए, वही का वही रहेगा. जैसे सपोज करिए हम मास की बात करें 1 केजी, तो 1 केजी क्या होता है? सो इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेड ऑफ इट इज मेड ऑफ समथिंग अलॉय दैट इज प्लैटिनम मीडियम. यस, इट इज मेड ऑफ एन अलॉय कंपोज्ड ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम. प्लैटिनम इरिडियम के अलॉय का एक छोटा सा सिलिंड्रिकल रूप में काट के न्यूयॉर्क में रखा गया होता है, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है, दैट इज IBWM. हम सब लिखवा देंगे आपको. IBWM में रखा गया हुआ है. उस क्वांटिटी को फिजिसिस्ट ने बताया कि इसको आज से हम 1 kg मानेंगे और दुनिया उसको फॉलो करेगी. तो एक बार जब वो 1 kg हो गया, तो दुनिया में उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको मानना है सबको. तो दैट इज इनवेरिएबल. और जिससे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, वो भी अवेलेबल होना चाहिए. जैसे कि अगर हम एक प्लैटिनम इरिडियम के सिलेंडर से अगर उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय एग्जिस्ट करना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए. ओके, सो खैर इसको हम और भी आगे देखेंगे, आगे आपको समझ में आएगा. Now, derived quantity are what? इसके बारे में लिखें. These are the quantities which are derived with the help of fundamental quantities. For example, velocity and reflex acceptance. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी दोस्तों लिखें. और फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच यूनिट इज डिफाइंड बट डायमेंशन इज नॉट डिफाइंड. मतलब वो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो है पर कोई डायमेंशन नहीं है, वैसे क्वांटिटी को दोस्तों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड. ओके, तो ये लिखे दोस्तों. तो बच्चों ये नोट बना लीजिए और ये नोट को ढंग से पढ़े.
ओके नाउ फ्रेंड्स यूनिट सो व्हाट इज यूनिट बेसिकली इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी of any physical quantity. ये दोस्तों लास्ट में लग के यही बताता है कि आप क्या मेजर कर रहे हो. अगर हम आपसे पूछें कि आप कितनी दूर से चल के आ रहे हो, तो आप बोले 10, मुझे नहीं समझ में आया. लेकिन आप बोले 10 मीटर समझ में आया, तो मीटर लगा तो समझ में आया कि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो. अब हम सोचे कितने देर से चल के आ रहे हो, आपने बोला 10, समझ में नहीं आ रहे, तो बोला 10 मिनट, तो समझ जाएंगे आप टाइम की बात कर 10 मिनट से चल के आ रहे हो. ओके सो इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. ओके ओके सो तो दोस्तों कई सारी चीजों को हम डिफाइन करते हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी. Fundamental quantity and its unit. Okay. तो दोस्तों जैसे देख लीजिए, for example हम अभी लिख सकते हैं जैसे length. Length को define करेंगे meter. Meter छोटे. Okay. जैसे time. Time को define करेंगे second. मास का यूनिट हुआ केजी, किलोग्राम. टेम्परेचर, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसका यूनिट हुआ. बेसिकली यूनिट्स होते हैं, ये यूनिट्स तो है ही, बट हम लोग बेसिकली एसआई यूनिट्स की बात करते हैं. है ये भी समझना चाहिए कि एसआई यूनिट क्या होता है, सिस्टम यूनिट क्या होता है, तो आगे बढ़ेंगे. टेम्परेचर, यहां पर ऐसे यूनिट की बात करते हैं. टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन, केल्विन. दोस्तों एक बात याद रखें, जैसे इसमें आप कहीं भी नोट पे बना के लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, कि जैसे मान लीजिए ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स को बोलते हैं न्यूटन. तो अगर मान लीजिए मुझे लिखना होगा 10 न्यूटन लिखना है, तो 10 न्यूटन हम ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे, और न्यूटन में जो n होगा वो छोटा होगा. किसी भी साइंटिस्ट के नेम से अगर उसको हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसका नेम यहाँ पे छोटा होगा. या फिर अगर हमको एक ऑर्डर लिखना है तो कैपिटल लेटर लिखेंगे. ये याद रखें, किसी भी साइंटिस्ट का नेम अगर लिखते हैं यूनिट्स में, तो उसके पहले इनिशियल को छोटा लिखते हैं, और अगर हमको सिंगल लेटर में लिखना है तो उसको फिर कैपिटल लेटर में लिखते हैं. आप याद रखें आज से, और नोट्स को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. ओके सो टेम्परेचर को क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. दैट इज मोल. फेवर इसको मोल ही बोलते हैं, और फेवर इसको एमओएल लिख के भी छोड़ देते हैं. ओके इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पियर. दोस्तों देखिए एम्पियर जो है वो भी साइंटिस्ट का नाम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल में भी लिख सकते हैं. केल्विन, केल्विन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, यहां पे छोटा क्यों होगा, बाकी इनिशियल सिंगल में लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे. ठीक है, सही हो गया. और 6 एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. That is candela. That is C. So दोस्तों ये उसकी यूनिट्स हैं, ऐसे यूनिट्स, ठीक है ना? ऐसे यूनिट्स. Okay? आप पॉज करके देख लीजिए वीडियो.
दोस्तों देयर आर अनदर टर्म सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट देखिए दोस्तों जैसे ये बना क्यों जैसे मतलब इसमें होते हैं इसके लिए CGS MKS FPS और SI ठीक है दोस्तों ये CGS और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मुझे लिखना पड़ेगा क्या अब लिख लीजिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड MKS मीटर किलोग्राम सेकंड FPS फुट पाउंड सेकंड SI में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उल्टा लिखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ओके क्या जरूरत है इसका मुझे समझ नहीं आया आज तक ये मतलब ऐसा क्यों हुआ तो दोस्तों ऐसा समझ में आया मेरे को जब हम समझ जब हम भी बच्चे थे समझ नहीं आता इतना क्यों पढ़े ये चार ही पढ़ने क्या हो सकता है तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए जब फिजिक्स का जब डिस्कवरी हो रहा था तो दोस्तों कई जगह के साइंटिस्ट मिले रशिया के भी थे न्यूयॉर्क के भी थे ब्रिटेन के भी थे कई सारे जगह के साइंटिस्ट मिले There is an ego clash. जैसे एक एग्जांपल दे जैसे व्हाट इज अ लैंग्वेज इट इज अ टूल टू ट्रांसफर योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन आपको अपना इंफॉर्मेशन देना है किसी को तो आप लैंग्वेज के थ्रू देंगे ठीक है तो दोस्तों अगर ये सिर्फ एक टूल है जिससे कि एक अपना बात दूसरे को पहुंचाना है तो हमारे पास इतने सारे लैंग्वेज क्यों है हम तो एक ही लैंग्वेज से काम कर सकते थे हाँ बिल्कुल तो अब यहाँ पे आता है ईगो अब बोला इंडिया अगर हिंदी फॉलो करता है तो हम हिंदी क्यों फॉलो करें नहीं करेंगे ब्रिटिश ये ब्रिटेन वाले बोला हम इंग्लिश करेंगे करो तो वहां इंग्लिश आया हिंदी वहां जर्मनी वाले बोले हम जर्मनी यूज करेंगे करो जर्मन जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे तो देखा तो मैटर ऑफ ईगो और कोई खास बात नहीं वही यहाँ पे है यहाँ भी साइंटिस्ट हर जगह कहते हैं किसी ने बोला सी जी एस यूज करें किसी ने बोला एफ पी एस करें किसी ने बोला एसआई बोले बोले ठीक है तो सवाल आता है इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जनरली एसआई यूनिट चलता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग वही लेके चलते हैं ठीक है तो हम लोग जो भी अपना जो भी काम करेंगे वो एसआई में करेंगे ठीक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये बात आप याद रखिए आपके कोई भी बुक आती है तो एसआई स्टैंडर्ड की आती है ठीक है दोस्तों एक चीज और देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट एक होता है मेट्रिक यूनिट सब बहुत बेसिक है और एक होता है नॉन मेट्रिक यूनिट अब ऐसा नहीं कि दसवां पास है और एक दसवां पास नहीं है ऐसा नहीं मेट्रिक यूनिट क्या होता है जैसे जैसे मान लीजिए कि एक सेंटीमीटर कितना होगा तो वन सेंटी को बोलते हैं 10^-2 तो एक चीज आपको और याद कर ले आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा जैसे मिली सेंटी देसी डेका हेक्टो किलो ये कुछ नहीं है बेसिकली ये मल्टीप्लाई होने वाले मल्टीप्लायर्स है मल्टीप्लायर्स किसको बोलते हैं जो 10 के ऊपर पावर होता है उसको मल्टीप्लायर्स बोलते हैं दोस्तों ओके सो मिली मिली का मतलब होता है इसका मल्टीप्लायर का 10^-2 सेंटी का 10^-2 देसी का 10^-1 और डेका का 10^-1 हेक्टो का 10^-2 और किलो का 10^-3 ये याद रखने दोस्तों कोई खास बात नहीं है कोई परेशानी नहीं होगी और याद रखते बच्चों ओके सो देयर सेंटीमीटर तो 1 सेंटी सेंटी का क्या लिखेंगे 10^-2 और इनटू 1 मीटर तो 10^-2 मीटर तो आपने अच्छा ऐसा यूनिट क्या होता है लेंथ का मीटर तो आपने ऐसा यूनिट में क्या मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लायर्स ऑफ 10 ओके तो सिर्फ मल्टीप्लायर्स ऑफ 10 को एसआई में मल्टीप्लाई करके अगर कोई यूनिट आ रहा है तो उसको बोलेंगे मेट्रिक यूनिट ओके क्या लिखेंगे इट इज द यूनिट ऑब्टेन 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 बाय मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर्स ऑफ 10 इन इन SI unit is called metric unit. For example, centimeter. अगर centimeter को देखें तो SI unit है 1 meter, multiply by 10^-2 और 1 क्या? Centimeter. तो centimeter is a metric unit.
मिलीमीटर सपोज करिए, तो 1 × −3 मिली की जगह पे इनटू 1 मीटर, ऐसा इनटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे −3 अगेन मल्टीप्लाई ऑफ 10, सो दीस आर मेट्रिक यूनिट्स, किलोमीटर मेट्रिक यूनिट, डेकामीटर मेट्रिक यूनिट, ओके। सो नॉन मेट्रिक यूनिट क्या हुआ, उसका अपोजिट इट इज यूनिट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज अदर देन मल्टीप्लाई ऑफ 10, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंच की बात करें, 1 इंच कितना है दोस्तों, 2.54 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां 10 मल्टीप्लाई है, सेंटी की बात करें सपोज करिए, तो सेंटीमीटर इनटू माइनस 2 और मीटर कितना होता है 1 इंच मीटर। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई तो है और अलोंग विद क्या और भी कुछ है, क्या सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई है, नहीं इसके साथ ये भी है, तो ये इसको क्या बना देगा, नॉन मेट्रिक। फुट 12 इंच, 12 इंच, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनटू माइनस 2 मीटर, इतना 1 फीट में इतना बना दिया कि इसके 3 कुछ 0.3 मतलब बहुत बड़ा मीटर आएगा लगभग। तो देखिए यहां पे का मल्टीप्लाई सिर्फ आंसर नहीं, ये सब भी है, हां ये इसको नॉन मेट्रिक बना देगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां ध्यान से देखो, ये नॉन मेट्रिक यूनिट, सॉरी दीज आर मेट्रिक यूनिट्स और ये क्या हो गया नॉन मेट्रिक यूनिट। बेसिकली यूएस वगैरह में ये फॉलो होता है नॉन मेट्रिक यूनिट, और ये तो मेट्रिक भी, ये तो खैर ऐसा ही तो मेट्रिक तो है ही है, क्योंकि अगर बात करूं कैसे इसमें तो 10 का पावर नहीं होता है, 2 पावर होता है, 10 का पावर 0 मल्टीप्लाई होता है, 10 का पावर 0 मतलब क्या 1, एनीथिंग विद द पावर 0 इज व्हाट 1, पता है आप लोगों को कैसे होता है, देखिए x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n बराबर 1, कटिंग तो 1 आएगा, अब x टू द पावर n एक्सपोनेंट का स्केल है n माइनस 1 1 x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग विद द पावर 0 इज 1। मैट्रिक में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एसआई में, मतलब एसआई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एसआई में, और 1 कितना है 10 की पावर 0, तो 10 का मल्टीप्लाई तो है ना, तो ये भी तो मैट्रिक हुआ, ये मैट्रिक हुआ, बाकी ये क्या है नॉन मैट्रिक यूनिट। ये सारी बातें दोस्तों याद रखिए आप लोग आगे काम आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के लिए काफी है, हम लोग आगे इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, तो काफी ध्यान से देखिए इसको। सो नेक्स्ट वीक कंटिन्यूइंग नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।